हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स न्यू दिल्ली। अरे वाह, न्यू दिल्ली में है। ग्रेट। कब बना? अभी बना क्या? हमारे टाइम में बना था क्या? हमें तो नहीं पता। चलो देखते हैं। मुझे तो नहीं याद है मैं गई हूँ कभी। चलो देखते हैं, हो सकता है याद नहीं हो, देख के शायद याद आ जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। और हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुमको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ दिल्ली सुन के। देख लो दिल्ली, देख लो, रीसेंट वीडियो है। अभी दिल्ली ऐसा है, पहुंच भी गए। So guys, Museum of Illusions is located in New Delhi. It is an A block. अगर आप लोग मेट्रो से आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली A block से बाहर आएंगे तो ये आपको दिख जाएगा। It is open on all 7 days. तो आप लोग यहाँ पे वीक के किसी भी दिन जा सकते हैं। इसके जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हैं। और इसकी जो टिकट है वो वेरी करती है वीकेंड्स और वीकडेज पे। तो मंडे टू फ्राइडे इसकी टिकट सस्ती होती है और सैटरडे संडे इसकी टिकट महंगी होती है। वैसे ही एडल्ट के लिए इसकी टिकट महंगी है और बच्चों के लिए सस्ती है। तो हमने जो दो टिकट ली थी उसका प्राइस हमें पड़ा है 1180 रुपीज, $590 पर पर्सन। जस्ट लुक एट द क्राउड, गो चीप तो नहीं है। जैसे पहले आगे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम अंदर घुस रहे हो। हिल रहा है, ऋषि को दिखाना। इंटरफेयर कर रहे हैं, कोई जो लिखा है उससे इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन पहले मैंने कहा तुम्हें ग्रीन बोलना है, ग्रीन लिखा है, रीड करना है बस। क्या रीड करना है? लिखा है उस कलर तुम्हें बताना है, जो लिखा है पहले उसका कलर क्या है। सो गाइस, यू हैव टू फोकस ऑन द प्लस साइन और धीरे धीरे यू विल नोटिस कि जो ये ग्रीन डॉट्स हैं ये रेड में ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। यार हम भी तो कई जगह पे थोड़ा छोटा मोटा होता है म्यूजियम में। अरे बाप रे, इसमें तो चक्कर ही आ जाए। ये क्या है? ये तो ऐसे लगता है बाहर ही निकल आया। देखा है एक्चुअली में ये क्या कर रहे हैं? अगर दो छानी रखी उसको हिला रहे हैं। दोनों के मुंह मिल गए। इसमें क्या है? इसमें क्या है? ये क्या उड़ रहा है? ये किसे जम्प थी? Oh my God!
मतलब इतनी हम गरीब हैं। ओ क्या दिखाओ आगे क्या ऐसा तो यहाँ पे भी मैंने देखा है, हमने भी म्यूजियम से हमको पागल बना रहे। ये सही बात नहीं है सर। ओके ठीक है, उनको तो चक्कर ही आ गया लगता है। चक्कर यार मैं तो मरी जाऊँ सच्ची में, मुझे भी चक्कर आ रहा है। ये ऋषि को दिखाना चाहिए, नहीं उसको अभी नहीं दिखाएंगे, लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे। बाप रे मुझे तो लगे अरे चीखने लग जाऊंगी यहाँ सामने देखते हैं। अगर साइड में देगी नहीं तो फिर क्या, आस पास देख के देख के कोई चक्कर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है तुम ही उलटने वाले हो यार। सब देखो ना यार एकदम तो देखो मजा आए। ये मैं बोल रही थी ना देखो कि वो लंबा और छोटा लगे जबकि वो सेम ही रूम है, अब वो छोटा लगे ये लंबी हो जाएगी। अरे वाह ये कैसे हो रहा है, ऋषि से पूछेंगे उसको शायद पता हो। ये उल्टा ट्रक वो है क्या ऑटो टिल्टेड रूम? अरे बाप रे टिल्टेड तुम उल्टे हो जाओगे वहां जाकर, ये तो ऐसे लग रहा है गिर रहे हैं कहीं, कहां जा रहे हैं नीचे से। ये तो हमने देखे मैं पूछूं अच्छा वहां ये प्रॉपर है ना, मैंने यहां जाना है। ये क्या हो रहा है उड़े कैसे रहे, उड़ के लटके कैसे रह गए? नहीं तो इल्यूजन था ऐसे। वो कैसे हुआ? अरे ये क्या शीश महल, शीश महल। अरे बाप रे इतने सारे निकलेंगे कैसे, मैं तो पता ही नहीं चला कुछ ज्यादा ठाठा ही लगेगी मुझे लगा थोड़ा। इसमें क्या है और जब तुम जाते तो ऑन हो जाता है जहाँ पे रखते हो हाथ वहाँ पे बच्चे से जी का। अरे तो फ्रेंड्स मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था पर मुझे लगा थोड़ा छोटा था, अगर इतनी सी बस चीज है तो फिर तो कम होगी, क्योंकि आई होप और भी चीजें हो पर लगता नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट सब कवर किया ही होगा। पर जो भी था जितना भी था मजेदार था, मगर जैसे वो दिखाया कि भैया ऐसे लग रहा है कि ऊपर उड़ रहे हैं और वो बॉडी की शेप जो है वो डिफरेंट हो गई, वो मुझे नहीं समझ में आया कैसे, समझ तो मुझे वैसे किसी में भी नहीं आया कि ये कैसे हुआ, पर वो अमेजिंग था कि आपको उठा भी लिया है और आपकी शेप भी वो चेंज होती जा रही है उसमें जैसे जैसे आप ऐसे मूव करते हो शायद, पर सब बहुत अमेजिंग थे। वो वाला ओ माय गॉड जो आप टनल टाइप में जा रहे हो वो ऐसे चक्कर चक्कर करके इल्यूजन दे रहा है कि ऐसे लग रहा है कि आप ही गोल घूम रहे हो उसके अंदर, वो भी सब बहुत फैंटास्टिक था। तो मैं तो हर टाइम यही सोच रही थी यार ये तो दिल्ली के अंदर है तो ऋषि को तो लेके जाएंगे वो भी सीपी में, तो जब भी सीपी घूमने जाएंगे उसके साथ एक ये प्लान बनाएंगे कि यहाँ पे जाएं, बहुत मजा आएगा छोटा सा। और सोचो ऋषि को उसके अंदर घुसाया उसका पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, पर मैं तो चीख चाख के वहीं बैठ जाऊंगी पकड़ के, वो जो होता है ना वो डंडे ले ले कोई पकड़ के बैठ जाऊंगी, मेरे को निकालने के लिए वापस यहाँ आओ मेरे को, मैं गिर रही हूँ, किसी ना किसी को आना पड़ेगा। तो वीडियो में फिर देखेंगे कि कौन आता है हेल्प करने, डैड आते हैं ऋषि आते हैं कि मेरे पापा आएंगे, 100% पापा ही आएंगे बचाने, कोई नहीं आएगा। बड़ा मजेदार था राइट, तो काफी अच्छा वीडियो था। और नॉर्मली ये बहुत सारे इल्यूजन होते हैं ये मूवीज में भी यूज होते हैं, इनका एप्लीकेशन जो है
एक तो है ऑफ कोर्स जो मैजिक शोज होते हैं, मैजिक शोज तो पूरा इल्यूजन ही है, तो उन्होंने सबसेट ऑफ इल्यूजन दिखाया, मगर आप मैजिक शो देखेंगे वहां पे बहुत ही सीक्रेट इल्यूजन्स होते हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता, तो उसी की ग्रेटनेस है। जब कोई भी मैजिशियन कुछ करता है, कुछ मैजिशियन कुछ दिखाते हैं, कुछ कुछ दिखाते हैं, वो कई इल्यूजन उन्होंने खुद निकाले होते हैं जो किसी और को पता नहीं है हाउ टू डू, तो वो इल्यूजन्स की रियल एप्लीकेशन है मैजिक शोज में और मूवीज में, क्योंकि मूवीज में आप कई बार दिखाते हैं जैसे जायंट दिखा रहे हैं, जायंट आ रहा है जा रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप एप्लीकेशन देख सकते हैं मूवीज में, तो काफी अच्छा था, वेरी नाइस टू सी। मुझे पता नहीं है दिल्ली में कब से है, और कई बार ऐसा होता है जो दिल्ली के रहने वाले होते हैं उन्हीं को पता नहीं होता चीजें, तो हमारे पेरेंट्स को कहा पता है जबकि मुझे पता नहीं है, मेरे भाई को नहीं पता इल्यूजन कब आया था, मगर जब भी बना था उसके बाद हम गए नहीं है देखने के लिए, मगर ये मॉडर्न लग रहा है जैसे पूरा सेटअप लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि काफी समय से चला रहा था, कनॉट प्लेस के आसपास ए ब्लॉक में कह रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, तो मगर काफी अच्छा लगा देखकर कि इल्यूजन्स हैं, और ये काफी अच्छी बात है स्पेशली जो लोग आर्टिस्ट हों जो ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आप इल्यूजन्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं और लोगों को अमेज कर सकते हैं, तो वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया, तो दिल्ली में ही है, देखेंगे तो जरूर, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।